हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली प्लस वन प्लस टू और जो वीवीएम के बच्चे स्टेट लेवल कैंप के लिए जा रहे हैं उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने आप में ये लेक्चर। लेबोरेटरी इक्विपमेंट या अपरेटस हम कौन कौन से केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम क्या है और उसके यूजेस क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं किप्स अपरेटस। किप्स अपरेटस का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं H2S गैस बनाने के लिए। इसके लिए हम FeS और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर बाद H2S गैस बनती है जिसको यहाँ पे नोब को ओपन करके हम टेस्ट ट्यूब में से पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपरेटस है, प्लस टू स्टूडेंट्स जब भी साल्ट एनालिसिस करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट वाल्ट विस्कोमीटर। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम किस लिए करते हैं, विस्कोसिटी निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आरबीएफ। आरबीएफ हमारी लैब में दो टाइप की होती है स्टूडेंट, एक तो है ये राउंड बोतल फ्लैट, फ्लैट होता है इसके नीचे बेस, मैंने हाथ में ऐसे ले रखा है इसे, और ये होता है राउंड बोतल ग्लास गोल होता है। इसका इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग हीटिंग और उस पर्पज से करते हैं। इसको कोल्ड यानी कोल्ड कंडीशन में भी अगर हमें कोई रिएक्शन करनी होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करें तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं, जब हमें सॉल्यूशन बनाने होते हैं उसके लिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं और क्लासरूम में इसका एक और नाम होता है मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क ही बोलते हैं। तो ये अलग अलग में आता है 250 ml, 500 ml, तो मैंने इसलिए अलग अलग डायग्राम दिखाए गए, 1000 ml का भी आता है। नेक्स्ट बात करें बेटा फ्यूजन ट्यूब्स। फ्यूजन ट्यूब का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। इसके अंदर जो फ्यूजन ट्यूब है इसके अंदर हम सोडियम मेटल डाल के हम इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो फ्यूजन ट्यूब भी बहुत ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकर की, तो अलग अलग ml के होते हैं, जैसे 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 1 लीटर का ही बीकर होता है। तो बीकर का इस्तेमाल आपको अलग अलग सोल्यूशन में इस्तेमाल करना पड़ता है मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें फनल्स, तो आप सबको पता है फनल का इस्तेमाल, कोई भी चीज अगर मुझे लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो फनल का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है चाइना डिश। चाइना डिश का इस्तेमाल हम जनरली क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो हमें हीटिंग करनी होती है तो हम चाइना डिश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बेटा कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं इसे और टाइट्रेशन फ्लास्क भी हम इसे बोलते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम करते हैं जब हम दो ब्यूरेट के साथ टाइट्रेशन करते हैं, 100 ml, 250 ml, 500 ml, इस टाइप से इनकी क्या होती है अलग अलग मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें रिएजेंट बॉटल्स। एक तो लेबोरेटरी के अंदर पड़े होते हैं जो हम केमिकल खरीद के लाते हैं, एक हम सेल्फ के ऊपर रखते हैं जिन रिएजेंट्स को, उसके लिए हम इस टाइप की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा प्लास्टिक वाश बोतल। इसका इस्तेमाल जनरली हम वॉशिंग पर्पज के लिए करते हैं, हमें कोई भी यानी इक्विपमेंट कई बार वाश करने होते हैं, केमिकल की वाशिंग के लिए भी हम क्या करते हैं प्लास्टिक वाश बोतल का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, जब भी हमें हीटिंग करना होता है, बर्नर बंसन बर्नर नीचे लगा होता है और ऊपर हम वायर गोज लगा देते हैं तो हीटिंग पर्पज के लिए, या कोई चीज मुझे स्टैंड अप पे रखनी है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्राइपॉड से बंसन बर्नर जो मैंने अभी आपको कहा है कि जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जब आप करते हो हीटिंग पर्पज के लिए हम बंसन बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। पेट्री डिश का इस्तेमाल वैसे बायोलॉजी लैब के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है, सेल कल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ड्रॉपर, कोई भी सॉल्वेंट कंसेंट्रेटेड डाइल्यूट जब हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में डालना होता है या किसी राउंड बोतल फ्लास्क में डालना होता है तो हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन लिक्विड को हम हाथ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है कंडेंसर। कंडेंसर का इस्तेमाल बेसिकली हम डिस्टिलेशन या अपरेटस जो पूरा सेटअप करते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट से हम कोल्ड वाटर पास करते हैं और दूसरे पॉइंट से पानी क्या होता है बाहर निकलता है, उसको हम सिंक में डाल देते हैं। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब क्या है पहले तो ये भी देख लो, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम जो अनयूज होती है उनको हम उल्टा करके रखते हैं, जो यूज होती रहती है पीछे गैप बना हुआ है उसके अंदर हम यूज वाले टेस्ट ट्यूब डालते रहते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी टेस्ट ट्यूब को अगर हीटिंग करना है तो हाथ में लेके हीटिंग नहीं करते, उसके लिए हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम स्टूडेंट्स।
टेस्ट ट्यूब ब्रश, यानी अब मान लो मेरा टेस्ट ट्यूब खराब हो गया है, उसको मुझे साफ करना है, तो उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्लीनिंग। फिल्टर पेपर, अलग अलग टाइप के फिल्टर पेपर होते हैं, वॉटमेंट फिल्टर पेपर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, और सिंपल फिल्टर पेपर भी आप लैब में इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई है, ये ड्राई केमिकल पाउडर है, इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लैब के अंदर रखा जाता है ताकि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हो फायर से रिलेटेड तो उसको हम ठीक कर सके। वायर गॉज, जब भी हीटिंग करते हैं बीकर की, बीकर को गर्म करना है या कोनिकल फ्लास्क को गर्म करना है, कोई भी ग्लास अपरेटस को, तो पहले हम वायर गॉज लगा देते हैं, उसके ऊपर हीटिंग करते हैं, अदरवाइज ग्लास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हीटिंग पे ब्रेकअप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें आज के टाइम में, पहले तो हम क्या करते थे, जैसे कि कहीं सोना खरीदने जा रहे हो तो सुनार के पास जो सा वेइंग मशीन होती है, हम पहले उसका इस्तेमाल किया जाते थे, उसमें राइडर लगे होते थे, मगर आज के टाइम में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप मिलीग्राम ग्राम में 500 ग्राम तक के वेट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें ग्लास रोड, कभी भी हमें कोई सॉल्यूशन मिक्स करना होता है तो उसके लिए हम ग्लास रोड का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरेट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, प्लस टू प्लस वन दोनों, जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं, 50 ml की होती है, और यहाँ पे ऊपर हमने फनल डाल के यहां से हम अपना क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन इसमें डालना है, इसके साथ जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं आयरन स्टैंड। नेक्स्ट पिपेट्स, पिपेट 5 ml की भी होती है, 10 ml की भी होती है, 20 ml की भी, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। पिपेट का इस्तेमाल जनरली हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, एक्यूरेट वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, वही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जब हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है तब हम सॉल्यूशन मेजरिंग सिलेंडर से डालते हैं, कभी ऐसे बीकर से हम कभी सॉल्यूशन का बनाने का, जैसे मोलारिटी या नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तब हमें मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पीएच पेपर, आप सबको पता ही है, जब भी मुझे एसडी करेक्टर या बेसिक करेक्टर जैसे सॉल्यूशन का मेजर करना है तो हम पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करें सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल दो, यानी एक मान लो वाटर सोलबल कंपोनेंट है, एक ऑयल सोलबल कंपोनेंट है, दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इसको ओपन करके यहां से सॉल्यूशन भर देते हैं। मान लो आपने ऑयल है, यानी दो उनको जब सेपरेट करोगे तो दो अलग अलग लेयर बन जाएगी, और यहां से हम इसे ओपन करके सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लैब के अंदर, जब आप कोई सॉलिड केमिकल हम परचेज करके रहते हैं उनको प्लास्टिक बोतल के अंदर रखा जाता है, प्लास्टिक केमिकल बोतल्स बोलते हैं, और जो लिक्विड में लिखते हैं वो मैंने अभी रिएजेंट बोतल दिखाई थी, तो लिक्विड को यानी क्या बोलते हैं हम, ग्लास, ये तो प्लास्टिक का और ग्लास का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पैचुला, कोई भी केमिकल, जैसे मुझे मान लो अभी मैंने आपको दिखाया प्लास्टिक केमिकल बोतल्स, उसमें से मुझे कोई केमिकल को बाहर निकालना है तो उसके लिए हम स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ, पानी इसमें डाल के कोई मुझे अगर गर्म करना है, मुझे वाटर बाथ देना है किसी केमिकल को, वाटर बाथ पे हीटिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टब का इस्तेमाल करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं और इसका इस्तेमाल हम एज ए वाटर बाथ करते हैं। बॉइलिंग ट्यूब, एक तो सिंपल टेस्ट ट्यूब होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये बॉइलिंग ट्यूब होती है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो उससे जल्दी ब्रेकअप नहीं होती, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल बॉइलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करें रबर स्टॉपर, अलग अलग यानी टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी आ जाता है, राउंड बोतल फ्लास्क को कई बार हमें ढक के हीटिंग करनी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं रबड़ की। नेक्स्ट टोंग्स, टंग्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, टोंग्स का इस्तेमाल बेसिकली हम मान लो कोई भी कोई चीज गर्म हो रही है, चाइना डिश है गर्म हो रही है और मुझे उसे उठाना है तो हम क्या करते हैं उससे उठा के रख सकते हैं, तो इस तरह हम इसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो बच्चे कई बार लैब में नहीं जा पाते हैं, 8th-9th क्लास के हैं, उन्होंने वीवीएम का पेपर देना है, तो ऑपरेटर्स उनके लिए काफी क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। इनको आप देख के रखिए, कोई आपसे पूछे कौन सा ऑपरेटर्स उसका क्या यूज है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन कौन से वाइवा प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन सबकी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।